एक नए सुबह की शुरुआत हो गई है, तैयारी हो चुकी है शिवखोड़ी जाने के लिए। और ये है यहाँ से बाहर का नज़ारा, एकदम बेहतरीन। ऊपर बहुत धुंध है, दिखाई नहीं दे रहा है, टॉप पे धुआं धुआं हो गया पूरा। भाई रात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है यहाँ पे। हम लोग कल आए थे, कल बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन था। और पानी जब बारिश हो रही थी तो भाई उसका टेम्परेचर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है हम लोग के यहाँ बारिश होती है, उतना कम टेम्परेचर में नहीं होती है बारिश। यहाँ ऐसा लग रहा था बर्फ़ का पानी गिर रहा है भाई, बहुत बहुत ठंडा था। इसकी वजह से रात में थोड़ी ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो तैयारी हो गई है, ये अपना हॉस्टल, ये सब अपना बेड है। यहाँ पे और भी लोग थे, सब लोग जा चुके हैं। तो शिवखोड़ी यहाँ से 70-80 किलोमीटर है अप्रॉक्स। हमने गाड़ी बुक करी है इनोवा, 2800 रुपये लगे हैं 7 जन के। आप गाड़ी बुक करेंगे उसके हिसाब से ही लगेगा, पर हेड यहाँ चार्जेस नहीं रहते हैं। अगर आप बस से जाएंगे तब पर हेड चार्जेस रहते हैं 220 या फिर 230 रुपये। अगर आप गाड़ी करते हैं, टवेरा करते हैं, तो वो लगेगा अप्रॉक्स 2400 रुपये। और अगर आप इनोवा करते हैं तो उसका चार्जेस है 2800 से 3000। तो हमने इनोवा करी है, टवेरा हम बहुत घूम लिया, थोड़ा प्रीमियम फील लिया जाए। चलो भाई, ये देखिए दुनिया का सबसे काला आदमी है, फिल्टर में भी काला है। आई नो, समझ सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे थोड़ी देर में, बस एक मिनट रुकिए आप। यहाँ पे लॉकर का व्यवस्था है, तो आप अपना ताला ले कर गए तो यहाँ अपना सामान लॉक करके आप जा सकते हैं कहीं भी घूमने के लिए। लॉकर फ्री है, लेकिन आपको यहाँ रूम लेना पड़ेगा उसके लिए पहले। ये है अपना हॉस्टल, पांच फ्लोर है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रुके हुए थे। यहाँ हेलीकॉप्टर का भी सुविधा है, अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, आपको सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके चार्जेस हैं अप्रॉक्स 1200 से 1500 रुपए के बीच में। यही रोड से हम जाएंगे शिवखोड़ी। आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, डेली बस जाती है, जैसे कि सामने बस आ रही है। ये है यहाँ की सुबह, बहुत खूबसूरत। सारी बसें सुबह ही निकल जाती हैं, अंधेरा होने पे आती हैं, कम करीब तकरीबन 7 या 8 बजे। और ये है अपना हॉस्टल, एकदम ज़बरदस्त व्यू के साथ वहाँ हमारा बेड है। जिस हॉस्टल में हम रुके थे वहाँ रूम लेने का प्रोसीजर बता देते हैं, यहाँ बहुत सारे हॉस्टल मिल जाएंगे आपको। तो आपको करना क्या है, बस केवल आधार कार्ड लेके आना है, वो रजिस्टर कर देंगे, हो गया आपका रूम बुक। ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, माता वैष्णो देवी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, ऑनलाइन भी आप रूम बुक करके आ सकते हैं। यहाँ भी रूम बुक हो जाता है, और अर्धकुंवारी माता है ऊपर चढ़ते टाइम, वैष्णो देवी का दर्शन के लिए जब आप चढ़ेंगे तो बीच में भी वहाँ भी रुकते हैं, तो वहाँ चाहें तो वहाँ भी आप बुक कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग सर्वर डाउन दिखा रहा था, नहीं हो पाया, हम लोग आकर ऑफलाइन यानी कि ठीक काउंटर पर ही हमने रूम बुक कर दिया। 110 रुपये पर हेड चार्जेस लगते हैं। हॉस्टल बढ़िया है, साफ़ सफाई एक नंबर की रहती है, पंखा वगैरह सब लगा है, लिफ्ट भी लगी है, सब सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे रात भर के लिए कंबल भी ले सकते हैं रेंट पे, अगर आप कंबल लेके नहीं आते हैं तो रेंट यहाँ कंबल मिल जाता है। ये यहाँ का है हॉस्टल का, हमारा ये मेन गेट है, और यहाँ से बस वगैरह सब मिल जाएंगे आपको जाने के लिए, जहाँ भी जाना होगा सब जगह के लिए मिल जाएंगे।
पहले कुछ खा पी लेते हैं, तो ऐसे ही चक्कर घूम रहा दिमाग पहले। बंद मक्खन और चाय बनवाओ। तो भाई गाड़ी आ गई है, सारे लोग बैठ गए और हम लोग निकल चुके हैं शिवखोड़ी के लिए। जय माता दी, जय बोले, जय माता जी। भाई यहाँ का टर्निंग है ना शानदार, एक नंबर। यहाँ से लेके वहाँ तक का चढ़ाई तक का व्यू एकदम एक नंबर। यहाँ का व्यू भाई एकदम तगड़ा वाला। देखो नो ब्रो, ये नहीं ब्रो, ये नज़ारे की बात नहीं कर रहे थे हम। दिस इज परफेक्ट वाला पिंक कलर से इधर भी। ये पहला स्टॉप है जहाँ पे नौ देवी दुर्गा का मंदिर है। प्लान तो था आने वक्त रुकने का, जाते वक्त कहीं भी रुकना नहीं था, केवल चेनाब रिवर है वहाँ रुकते, सीधे शिवखोड़ी पहुँचते। बट इन्होंने बोला कि दर्शन कर लीजिए, आने में शाम हो जाएगी, तो शाम के टाइम पे यहाँ आरती वगैरह होती है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, दर्शन हो नहीं पाता। देखिए यहाँ पर नदी है, कितना पुराना पत्थर है ये, पानी इसमें चूरा भाई ऊपर से, पहाड़ों से, अंदर से। ये बजरंग बली की मिलती है। नहाने के लिए बोला, यहाँ अलाउ है, नहा सकते हैं। हाँ ये बच्चों के लिए है, आगे फीमेल के लिए, शुरुआत उसके आगे मेल के लिए है। भाई यहाँ नहाने के लिए है, वहाँ पे सीधे घर में पूल में उतरने के लिए यहाँ सीढ़ी। भाई ओए होए होए, मीठा माता का। अरे भाई जबरदस्त, सामने देखो बीच रास्ते में रुके हुए कुछ खाने पीने के लिए, बाकी लोग तो चाय समोसा खा रहे हैं, हम खाएंगे नहीं, माजा पियेंगे। क्या परेशानी है भाई सज्जन को, क्या दिक्कत आ रही है इनको? ये है भाई यहाँ का जो रेस्टोरेंट पे रुके हुए, उसके पीछे से ये व्यू आ रहा है, पीछे भुट्टा है। क्या खाए हो? हम कोल्ड ड्रिंक किए हैं और टकाटक खाए हैं। और 5 हजमोला दे दिए गाड़ी के लिए, गाड़ी के लिए 5 हजमोला, ताकि भाई हमारे दोस्तों हाजमोला और हाजमोला कैंडी दोनों हमको तो नहीं, लेकिन हमारे दोस्तों को जरूरत पड़ रही है, फील हो रहा है, वोमिटिंग फील हो रही है, लग रहा है, तो वो लोग एक एक लेकर के मुँह में चुलाएंगे। हाइड्रोसील हो गया गाइस, कोई डॉक्टर होते बता दीजिए, इनका ऑपरेशन करवाना है, 50-50 रुपए का डोनेशन दे दीजिए इनको। ये कालू ब्रो, इनको इनको क्रीम के लिए डोनेशन दे दीजिए। बहुत सही है, उन लोग को बुलाओ इधर ही। देखो लेके आए सब राफ्टिंग के लिए यहाँ पे। अरे ससुर
वो ऊपर से आ रही है राफ्टिंग। यहाँ तो बहुत शांत पानी, इसमें राफ्टिंग कैसे होगा, थोड़ा रहता है ऊपर नीचे तब ना मज़ा आता है। चेनाब नदी, ये चेनाब हो गया, इंडस और रावी, यही तीन नदियाँ हैं जो इंडिया से होकर के पाकिस्तान में जाती है। घोड़े पे चला जाए कि विकास यादव घोड़ी बना दिया जाए, शादी वाली घोड़ी नहीं भाई, शादी करेंगे तो बुलाएंगे आपको। ये बहुत ठंडा, ये ठंडा करने वाला चीज ही है, दाल का बच्चा। वैसे शिवखोड़ी में शिवखोड़ी जाने के लिए यहाँ पर्ची कट रही है काउंटर पे, रिपोर्ट का, कौन सा रिपोर्ट का, RT-PCR। भीड़ लग जाएगी खाने के लिए। शिवखोड़ी जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी एक चेक पोस्ट है, यहाँ की RT-PCR की रिपोर्ट मांगी जाएगी। RT-PCR भाई बहुत ज़रूरी है, अगर आना तो भाई करवा के ही आना, बिना RT-PCR के काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। फिर बैग स्कैन करेंगे वो लोग एक्सरे मशीन में, उसके बाद बस आगे निकल जाइए, चढ़ाई करिए, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। या तो आप घोड़ा ले सकते हैं या फिर पैदल मार दीजिए पूरा, हम लोग तो भाई पैदल ही जाने वाले हैं, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे ऊपर जाने में, 1.5 घंटे नीचे आने में। मैंने बजाया रे, मेरे को दे रे, मैंने बजाया। भाई व्यू बहुत जबरदस्त है भाई, मजा आ जा रहा है। आ जाओ आ जाओ। भाई शिवखोड़ी जाते टाइम रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे ना, मज़ा आ जाता है, सारी थकान भी मिट जाती है। पानी इतना ठंडा होता है कि उसमें पैर डाल के 5 मिनट बैठ गए आप, सारी थकान उतर जाती है। भाई रंद रंद रंद, अरे यार